नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोटरोला के बारे में, जिसने अपना एक मोबाइल फोन इंडिया में लॉन्च किया है जिसका नाम है मोटो E4 प्लस। आज हम उसी के बारे में ओवरऑल रेटिंग देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मिल जाएगी 5.5 इंच की HD डिस्प्ले, जो कि 720 सपोर्टेड HD डिस्प्ले है, 1080 भी नहीं है। और आपको साथ में मिलेगा 13 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग में सपोर्टेड है। 720 ओनली HD रिकॉर्डिंग कर सकता है, ये फुल HD रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है। साथ में आपको मिलेगा MediaTek का MT6737 प्रोसेसर, जो कि एक पुराना प्रोसेसर है, फिर भी इस मोबाइल में साथ में दिया है, कुछ अच्छा होगा, देखते हैं लास्ट में। और आपको इसमें मिलेगी 3 GB की रैम, और आईलेक्स इसकी है 5000 mAh की बैटरी, यानी 5000 mAh की बैटरी है इसके साथ में, तो ये एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है इसका। फिर भी देखते हैं क्या होता है। आपको इसके साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 भी मिलेगा डिस्प्ले में, अच्छी बात है। ज़्यादातर लोग नहीं देते हैं, ज़्यादातर कंपनियाँ ऐसा नहीं करती, लेकिन मोटरोला दे रहा है तो अच्छी बात है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3, और इसमें आपको मिलेगा 7.1.1 एंड्रॉइड का सपोर्ट, जो कि एक अच्छी बात है, ये भी प्लस पॉइंट है। और आप हम लोग बात करें MediaTek के MT6737 प्रोसेसर की, तो एक क्वाड कोर प्रोसेसर है, 1.3 GHz पे चलने वाला, मतलब एक पुराना प्रोसेसर है जो 2 साल पहले लॉन्च हुआ था। ये प्रोसेसर आप आज की डेट में दोगे तो क्या उसका वैल्यू रह जाएगा, मतलब आप खुद सोच के देखो कि आपके पास एक अच्छी खासी गाड़ी है, फोर व्हीलर, एक आप मान लीजिए कि इनोवा है आपके पास, और उसमें आपको नैनो का इंजन लगा करके दे दे, तो ये परफॉर्मेंस क्या देगा, आप खुद सोच के देखिए। इसमें आपको 3 GB की रैम और 32 GB इनबिल्ट मेमोरी मिलेगी, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन यार इसका क्या फायदा, इससे अच्छा तो कुछ अच्छा डिवाइस दे देते दे, तो शायद लोग ले लेते, फिर भी लोग ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई इसमें ओवरऑल कोई खास है नहीं। इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। अब इससे आगे तो क्या कहूँ यार, मतलब हद है यार, कुछ तो अच्छा देना चाहिए। 5000 mAh की बैटरी देकर बोल रहे हैं E4 प्लस, तो इसका क्या मीनिंग रह जाता है। फिर भी जो है वो तो है, और साथ में आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर और फास्ट बैटरी चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। अभी ये कितना फास्ट है और कौन सा फास्ट चार्जिंग है वो तो मालूम नहीं है, लेकिन सिर्फ लिखा हुआ है, मैं भी लिखा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो फास्ट चार्जिंग कोलकाता का है, कोई और है मालूम नहीं, कुछ तो होगा। मतलब अगर आपको 10,000 के अंदर इसकी प्राइसिंग है 9,999 रुपये, अगर आपको 10,000 में मोबाइल लेना है तो आप क्या मोटो E4 प्लस लेंगे, मतलब इससे अच्छा तो MI का मोबाइल बहुत अच्छे आते हैं। इस प्राइस पॉइंट पे आपको नोट 4 मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा रेडमी का 4 मिल जाएगा, और 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ में आता है, उसमें आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है, तो इसके प्लस पॉइंट भी बहुत है, और फुल HD डिस्प्ले भी मिलता है इसमें, सिर्फ आपको 720 का HD डिस्प्ले मिलता है। तो मैं रेकमेंड नहीं करता ये मोबाइल, मतलब मेरे रेकमेंड से तो क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये मोबाइल 10,000 के अंदर में कोई ऐसा कोई प्लस पॉइंट नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी नई नई वीडियोज रोज लाता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही है।